अंग्रेजी में एक जुमला है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। एक तरफ कांग्रेस छिछोरी राजनीति का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाती है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि हमें मन नहीं है बिल्कुल समर्थन लेने का, मगर साहब हम फिर भी जनता के पास जाएंगे। तो अपने आप में पूरी हालात जो है हास्यास्पद होते जा रहे हैं। और क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इस बात का आभास है? मेरे साथ एक शानदार पैनल जुड़ रहा है, मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं रागिनी नायक, आम आदमी पार्टी की तरफ से राहुल मेहरा, बीजेपी की तरफ से सुधांशु मित्तल। हमारे तीन इन हाउस पैनलिस्ट हैं संगीता तिवारी, अरविंद मोहन और विजय विद्रोही। आप सबका स्वागत है। जब छिछोरी राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी, जब आप सोचते हैं कि सब जो राजनीति है बहुत ही निचले स्तर की है रागिनी जी, तो आखिर क्यों समर्थन देने के लिए इतनी उतावले हैं आप? देखिए, अपनी बात एक कहावत से शुरू करना चाहूंगी। किताबों में बहुत पढ़ा था, आज न सिर्फ दिल्ली ने बल्कि पूरे देश ने कहीं ना कहीं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया है। कहा जाता है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल अपनी इस रणनीति को महानता की कितने ही पर्यायवाची शब्दों से नवाज लें, लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो शर्तों की राजनीति है, ये जो टाल मटोल की राजनीति है, वो कहीं ना कहीं उनकी अकर्मण्यता, निष्क्रियता और कायरता की परिचायक है। आपने पूछा कि कांग्रेस पार्टी क्यों समर्थन देना चाहती है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए, लोकतंत्र की व्यवस्था में विश्वास, अपनी आस्था को दिखाने के लिए और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है, जो मतादेश दिया है, उसी के अनुसार सरकार बने। मैं आपकी भूमिका, मैं आपकी बात समझ गया रागिनी, मैं आपकी बात समझ गया। राहुल मेहरा सालों में अग्रसर किया था, उसमें कोई रुकावट ना आए। राहुल मेहरा, सवाल ये कि मेरा मन नहीं कर रहा साहब समर्थन लेने से, जो चीज पर आप वैचारिक तौर पर आप इत्तेफाक नहीं रखते, उसके लिए आप जनता के पास क्यों जा रहे हैं? जिसका मन ही नहीं है उसको लेके आप जनता के पास क्यों जा रहे हैं? देखिए, सवाल आपका अच्छा है, लेकिन जवाब देना मेरा दायित्व है और मैं समझता हूँ आप मुझे समझ देंगे जितना आपने रागिनी किया। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम जो हैं सिर्फ 28 सीट वाले दल है, एक 32 सीट वाला दल है जिसने अपनी जिम्मेवारी बिल्कुल नकार दी, जो डर गए किससे, उन लोगों से जिन्होंने स्तर राजनीति का ऊपर करने की मुहिम ढान रखी है। हमने क्या करा, हमने सिर्फ ये कहा हम खरीद फरोख्त ना करेंगे ना होने देंगे। ये लोग डर गए। इन लोगों ने, आप इनका इतिहास देखें तो इन्होंने कहीं भी, चाहे एक हो चाहे चार हो चाहे दस हो चाहे राहुल जी आपने मुझसे कहा था मुझे बीच में मत रोकिएगा, मत मिला। मैं जानता हूँ मैं आपको क्यों रोक रहा हूँ। राहुल आप जानते हैं मैं आपको क्यों रोक रहा हूँ? मुझे पता था, मुझे पता था आप करेंगे, इसलिए मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी पुरानी बातें फिर दोहरा रहे हैं जो आप एबीपी न्यूज पर पहले कह चुके हैं। मेरा बहुत सीधा सरल सवाल था, मैं जिसका फिर से आपको मौका देता हूँ। सवाल ये था, अब जब वैचारिक आपका मन ही नहीं है दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री का पद संभालने का, तो और कांग्रेस से इतना मन खटास है, तो आप जा क्यों रहे हैं जनता के पास? इस तरह की ग्रैंड स्टैंडिंग क्यों? अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे और पक्ष रखने का मौका देंगे तो आपको उत्तर मिलेगा, लेकिन सब्र करिए थोड़ा। तो मैं आपको यह कह रहा था, एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस ने हर एक को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया और टांग खींची, चाहे वो चरण सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे देवेगौड़ा हो, चाहे, इतिहास गवाह है इस चीज का। अब आप देखें, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, एक कहती है कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं, दूसरी कहती है हम मुद्दों पे सपोर्ट देते हैं, और दोनों के दोनों जो हैं पब्लिक को ये कह रही है कि हम जो हैं, हम तो किसी किसी भी पोजीशन में नहीं है सत्ता के आने में, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास 8 और कांग्रेस का और 32 बीजेपी का सपोर्ट है, चाहे वो मुद्दों पर हो चाहे अनकंडीशनल हो, तो वो सरकार बनाने से क्यों कतराते हैं? ये लोग जो है सक्षम नहीं है, ये लोग जो है डिलीवर नहीं कर सकते। तो आपको क्या नहीं लगता कि हमें दिल्ली की जनता के पास जाना चाहिए, जिन्हें हमें क्यों जाना चाहिए? नहीं दिया, अरे जो चीज आपके विचार से मेल नहीं खाती, रागिनी इसका जवाब देना चाहेंगे। जनता से ये पूछना चाहते हैं कि आपने हमें 28 सीटें दी हैं,
आप चाहते हैं कि हम ये सपोर्ट लेकर आगे जनसत्ता बनाए। अपनी जिम्मेदारी से बच के भागने की कहीं ना कहीं होड़ लगी हुई है। बिल्कुल आपने सही बात कही राहुल मेहरा जी, ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, खरीद फरोख की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी करती रही है। चाहे ऑपरेशन लोटस हो कर्नाटक में, या संचेती बंधुओं की बात हो झारखंड में, गोवा हो, हिमाचल प्रदेश हो, सब जगह हुई। लेकिन महात्मा गांधी ये कह के गए थे कि जो बदलाव आप देश दुनिया में चाहते हैं उसकी शुरुआत खुद से कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़िए, आप कांग्रेस पार्टी की चिंता छोड़िए, आपको जो मौका मिला है उस मौके का फायदा उठाते से आप क्यों कतरा रहे हैं? आप जनता ने आपको मतादेश दिया, सुधांशु मित्तल जो शेयर करता हूं जा रहे हैं ना, हम तो नहीं कतरा रहे। नहीं, कतराने वाली बात यहां पर ये है, हम नहीं सुधांशु मित्तल, ये जो पूरा चल रहा है राजनीतिक ड्रामा, प्रश्न मेरे लिए है, मुझे उत्तर देने दीजिए। हम नहीं कतरा रहे, हम कतई नहीं कतरा रहे, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम स्वराज मॉडल से राजनीति करते हैं। इसका जवाब सिर्फ एक ही है, डेमोक्रेसी एक, आप लोग ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं राहुल, वोट डालने की नहीं है, आप ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं, डेमोक्रेसी आप राजनीतिक माहौल बना रहे हैं, जाते हैं। एक तो ये है कि आप जन्म संग्रह के लिए जब जा रहे हैं, उसके बाद आपका नेता ये कहता है कि मेरा अंदर से मन नहीं है कांग्रेस का समर्थन लेने का, तो आप कुल मिलाकर जो आप ये मत संग्रह के लिए जा रहे हैं उसको भी प्रभावित करने की कोशिश, अगर लोग चाहेंगे तो हम करेंगे। चलिए चलिए, एक मिनट के लिए जरा खामोश रहे, जरा सुधांशु मित्तल भी काफी देर से बैठे हुए हैं। सुधांशु मित्तल, जो पूरी सियासत चल रही है इस वक्त, बीजेपी इसमें मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि कम से कम आपने समर्थन देने की बात नहीं किया, हालांकि आपके अंदर से भी विजय गोयल के रवैये के लिए काफी आलोचना हुई है। इस मामले में आप बीजेपी कहां खुद को पाती है आज की घटनाक्रम के बाद? भाजपा ने बड़ा स्पष्ट कर रखा है कि जो भी दिल्ली की सरकार बनाएगा उसका स्वागत है, हम दिल्ली की जनता के हित में जो भी मुद्दे हैं उनमें सकारात्मक रवैया रखेंगे, अगर अच्छा काम हो रहा है तो विषय के हिसाब से समर्थन देंगे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, बार बार बात आती है हम दिल्ली की जनता से पूछेंगे, तो मैं याद दिलवा दूं कि दिल्ली की जनता ने तो अपना मत बतला रखा है, दिल्ली की 70% जनता ने इनके खिलाफ वोट दिया है, तो जिस जनता ने इनको 70% इनके खिलाफ वोट दिया है वो थोड़ी करेगी आप सरकार बनाइए जाके। तो ये जो जनता जनता का है, देखिए जनता जैसे शब्द का दुरुपयोग करके हम भ्रमित करें चीज को, ये कहां अच्छा है? आपको सरकार बनानी है, परिस्थिति आपके सामने है, आपने मन बना रखा है बनाइए, लेकिन ये जो राजनीतिक नाटक है कृपया उसको ना करें, क्योंकि इससे आप राजनीति की गंभीरता को हल्का करते हैं। जहां तक ये बात कह रहे थे कि हमारा इतिहास भाजपा का, भैया चलो इतिहास रहा होगा, इतिहास से सबक सीख के अगर आदमी भूला जो है घर को आ जाए तो उसे भूला थोड़ी कहते हैं। अभी रागनी जी मुझसे कह रही थी कि भाई भाजपा ये करती है वो करती है, रागनी जी एक चीज, सिर्फ एक चीज, सोच हुए काके बिजली चली हज को, ये तो मैं आपके लिए बोलने वाली थी सुधांशु जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। गंभीर विषय, देखिए पाक साफ बनने का अचानक एक दिन उठ के ये गंभीर, ये मैं खत्म कर लूं, ये भी दिल्ली आप जब बोलिए मैं बीच में नहीं बोलता, थोड़ा शिष्टाचार कर ले हम लोग, बिल्कुल बोलिए। अच्छा भाई शिष्टाचार में अगर मेरी बात कंप्लीट करें, सुधांशु जी बोलिए संक्षिप्त में, शिष्टाचार रखेंगे तो सब लोग सुन रहे। मैं खत्म सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, राजनीति को गंभीरता से लेके गंभीर बातें करी जाए, गंभीर चर्चा हो, बना रहे तो मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लेकिन गाली देते रहिए, अरे भाई सबको सारी चीजें पता है कि आप झूठ कैसे बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, छोड़ दीजिए, आप बना रहे नहीं बना रहे ये बताइए, और बना रहे तो राहुल चलिए, हम कई लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आम आदमी पार्टी के तरीके, सुन लीजिए राहुल मेरी सवाल, अब कई लोग इस बात को इत्तेफाक रखते हैं कि आम आदमी पार्टी का तरीका नया है, उसने लोगों के दिल में घर भी किया है, अब ये भी एक तरीका है, नया तरीका है, मगर मेरा सीधा सवाल ये कि भाई सरकार बनानी है नहीं बनानी है, सिंपल सवाल है। आप जो कर रहे हैं एक फिजा बनाने के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए आप एक ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं, आप इस बात को मान लीजिए सीधे से। वो आप कह रहे हैं मैं तो नहीं मानूंगा बिल्कुल, क्योंकि ये सत्य नहीं है हमारे लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए, ये कोई मायना नहीं रखता कि हम क्या चाहते हैं, ये मायना रखता है कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। और ये याद दिला दूं बीजेपी के प्रवक्ता को कि 70% ने ये कहा था कि हम 70% की बात
तब माने, जब जब हम जनता के बीच में गए थे हम ये बोल के गए थे हमारे लिए दोनों करप्ट हैं, हम दोनों के खिलाफ हैं, हम ना इनसे इनको ना हम समर्थन देंगे ना इनसे समर्थन लेंगे। लेकिन अब क्योंकि भाजपा ने अपना जो दायित्व है वो बिल्कुल फेंक दिया उसी जनता की जिसकी मुहिम ये बात करते हैं और जिसके लिए ये बोल रहे हैं हम त्रस्त हैं, उस जनता को तो इन्होंने छोड़ दिया 32 नंबर के बाद, 32 नंबर इनके हैं। लेकिन हम अपना दायित्व संभालते हैं क्योंकि हमारे ऊपर इन्होंने डाला है 28 नंबर और क्योंकि ये लोग दोनों हमको समर्थन देना चाहते हैं। इनकी जुगलबंदी देखिए, दोनों के दोनों की जुगलबंदी, हमारे हमारे खिलाफ भी बोलते हैं और हमें समर्थन भी देते हैं। ये पर्दाफाश करता है कि इनका एजेंडा क्या है, लेकिन हमारा एजेंडा दिल्ली के लिए है, हमारा एजेंडा दिल्ली के लिए है और इनको हमारी राजनीति पसंद नहीं आएगी क्योंकि हमारी राजनीति स्वराज की राजनीति है। स्वराज की राजनीति में जनता के पास हम जाएंगे, जो जनता बोलेगी हम वही करेंगे। संगीता मैं आपको लाना चाहूंगा, रागिनी एक मिनट, संगीता मैं आपको लाना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी ने कुछ कदम उठाए हैं जिसका एक असर हुआ है, मगर सवाल यहां पर यह है कि ये जो पूरा चल रहा है जो कि कई विवादों में घिर गया है, इसने आम आदमी पार्टी के वोटर में क्या एक असमंजस पैदा किया है? देखिए अभिसार, जो वोटर को अपना जवाब देना था उसने 4 दिसंबर को वोट डाल दिया, 8 को उसके नतीजे आ गए, सरकारें ऐसी ही बनती रही हैं। आप पार्टी को 28 सीटें मिली, जाहिर सी बात है दिल्ली की जनता ने उन्हें सरकार बनाने का मैंडेट नहीं दिया था, ये बहुत साफ था। जो ये समर्थन ले रहे हैं ये उस पार्टी से ले रहे हैं जिसके खिलाफ इनका पूरा का पूरा प्रचार अभियान लगा हुआ था। और वैसे में फिर आप जनता के पास जा रहे हैं ये पूछने के लिए कि हमें सरकार बनानी चाहिए, तो इनके अंदर की ऊहापोह नजर आ रही है कि आप बनाना भी चाहते हैं और आप जो हाई मोरल ग्राउंड है वो भी लेना चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल दो मुहापन आप दिखा रहे हैं एक तरह से। दो मुहापन अरविंद जी, देखिए असल में क्या है कि ये कुछ नई चीज है, हम सब लोगों को थोड़ा इंतजार करके देखना चाहिए कि इससे ये अभी दिल्ली जितनी बड़ी है और जिस किस्म की आबादी यहाँ है उसमें ये कोई दो दिन में आसमान नहीं टपक रहा है, और इसका नतीजा देखना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा जो बात आप कह रहे हैं मुझे लगता है वो भी खेल कहीं ना कहीं है कि अपना सपोर्ट बेस बढ़े, अपना प्रचार बढ़े, और इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट चुने हैं इस बार, जिस तरह से घोषणा पत्र बनाया है वो भी अनयूजुअल है थोड़ा, और उसे नाम अपनी पार्टी का रखा भी किया है। तो संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगा इस पे सुधांशु मित्तल जी, ब्रेक में जाने से पहले। ऐसा है जो भी बातें हो रही है कि बड़ा अनोखा चीज कर रही है। दो दिन पहले तक तो भाजपा का टिकट मांगने वाले धर्मवीर जो है कालका जी से इन्होंने टिकट दी थी, अपवर्ड वर्ड कुछ नहीं हुआ था। हाँ, मार्केटिंग और पैकेजिंग करना बहुत आसान है क्योंकि उस समय इनके पास इनके ऊपर फोकस नहीं था, लेकिन आज फोकस आ गया। जैसे फोकस क्या आ गया, आपने महंगाई को मुद्दा नहीं माना, आपने 18 मुद्दों की चिट्ठियां सबको भेज दी। दिल्ली की जनता महंगाई से त्रस्त थी, क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? शायद इनके लिए ना हो लेकिन मुझे लगता है दिल्ली की जनता के लिए मुद्दा है। ऐसे ही जो युवा शक्ति है उसके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, वो इनके लिए शायद हो सकता है मुद्दा ना हो, दिल्ली की जनता के लिए मुद्दा है। अभी ये सारी चीजें जो हैं क्योंकि अब इनकी जवाबदेही है। अच्छा, ये बार बार कह रहे हैं हमने अपना करा, भाई हमें अनैतिक तरीके से सरकार नहीं बनानी है। इतिहास कुछ भी रहा हो, वर्तमान में आदमी अपने इतिहास ही तो होता है सुधांशु जी, हम सीखे हुए, हमें उत्तर प्रदेश कर्नाटक ये इतिहास है, इतिहास है, इतिहास की जमीन पर ही भविष्य चलता है। चलिए मैं माफ करूंगा, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकूंगा आपको क्योंकि अभी हम आगे और भी मैं आपसे आपके पास आऊंगा सुधांशु जी। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, वक्त उचला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जाएगा प्रधानमंत्री, ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा इस बात की कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ये तो कहते हैं मन नहीं है मगर फिर भी जनता के पास जा रहे हैं, क्या एक महज ग्रैंड स्टैंडिंग है, क्या एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है? मगर अब बात करेंगे हम राहुल गांधी की, हम बात करेंगे कांग्रेस के 2014 के एक्शन प्लान की, मगर सवाल ये कि योजना है क्या, और अगर योजना है भी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। कांग्रेस ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। संसद में आज पार्टी के सांसदों को सोनिया गांधी ने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में 10 साल की उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच जाएं। जो अगला आम चुनाव होने वाला है उसमें यूपीए सरकार के जो प्रोग्राम्स रहे हैं, जो नीतियां रही हैं और जो उपलब्धियां रही हैं वो लोगों तक पहुंचे और पार्टी को अगले आम चुनाव में इसका फायदा मिल पाए।
रागिनी नायक, मुझे याद है राहुल गांधी ने जब वो भाषण दिया था 2011 में संसद के अंदर, जिसमें उन्होंने इस पूरे आंदोलन को देश की प्रजातांत्रिक सेहत के लिए खतरा बताया था। तो सवाल यहां पर ये कि उस आंदोलन से एक तो आज लोकपाल अस्तित्व में आ गया है और उसी आंदोलन से एक दूसरी धारा निकली है जिसने आपको पटखनी दे दी दिल्ली के अंदर, तो इतना असमंजस क्यों है राहुल के तेवर? असमंजस नहीं है। देखिए, आपने जो बात कही उस पे मैं थोड़ा सा खुलासा करके आपको एक और बात याद दिलाना चाहूंगी कि जिस आंदोलन की आपने बात की, जब वो आंदोलन हुआ था तब कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि जो आधार है आंदोलन का उसके हम खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बने और सूचना का अधिकार मुझे लगता है उस दिशा में बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कदम था। हमें समस्या थी जिस तरीके से, अराजक तरीके से वो आंदोलन किस तरह किया जा रहा था, किस अराजक तरीके से आपने देखिए, आपने राजनीति उस पूरे आंदोलन को जो प्रजातांत्रिक दायरे में हो रहा था, मुझे पूरी बात अराजकता बता रहे हैं, अराजकता कैसे थी मुझे बताइए। मैं उस आंदोलन को फिर अरविंद केजरीवाल जी के साथ जोड़ना चाहूंगी, आपके ब्रेक पे जाने की पहले की बात से जोड़ना चाहूंगी। आपने खुद उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, माय वे और हाय वे, मैं वही कहना चाहूंगी, मेरी मुर्गी की डेढ़ टांग। मेरी शर्तों पर ही लोकपाल नहीं जन लोकपाल होगा तब आंदोलन हटेगा। आज भी वही बात है, मेरी शर्तें 18 शर्तें हैं, मानी जाएंगी तो सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो ये जो तरीका है, ये जो कोअर्सिव पॉलिटिक्स है, ये कोअर्सिव टैक्टिक्स जो है, इसके खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बोला। क्या राहुल गांधी को पैराट्रूप करा दिया जाता है या ताकि हालात उनके लिए सुविधाजनक रहें? ऐसा है, राहुल गांधी जी को लेके बहुत बहुत प्रयोग हो रहे हैं कांग्रेस में। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कोई भी जो प्रयोग होता है उसकी सफलता सिर्फ एक बात पे निर्भर करती है कि उसमें प्रामाणिकता और विश्वसनीयता है या नहीं है। दिल्ली की और देश की जनता के सामने कांग्रेस का आचरण और कांग्रेस की सरकार का आचरण जो है उसमें ना प्रामाणिकता रही है ना उसमें विश्वसनीयता रही है। आज क्या क्या मुद्दे हैं? आज भ्रष्टाचार का मुद्दा है, आज महंगाई का मुद्दा है और आज सुरक्षा का मुद्दा है। अभी तक का आचरण कांग्रेस का भ्रष्टाचार को लेके क्या रहा है, चाहे आप लोकपाल ले लीजिए, आज सब लोग जो है इसके श्रेय लेने के कोण में लग गए। राहुल गांधी जी जिसमें आप भी कोशिश कर रहे हैं, सुधांशु जी ये करवा दो, आप भी कोशिश कर रहे हैं, डर नहीं आपको सुधांशु जी? प्रयोगों के बाद, प्रयासों के बाद किसकी सरकार के चलते ये बिल पास हुआ? बोलने में तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप बोलिए, कोई बात नहीं, एक दृष्टि डालिए सुधांशु जी। तीन राज्यों में लगाना रागिनी जी, तीन राज्यों में अगर आपकी इतनी बुरी तरह से हार नहीं होती तो राहुल गांधी इस कदर बहुत जल्दबाजी में हड़बड़ी में इसको लागू करने की कोशिश नहीं करते हैं विद्रोही जी। देखिए लोकपाल, आप जो लोकपाल लेकर आए हैं, लोकपाल लेकर आए हैं, ये इसके साथ साथ एक मिनट, आप बहुत बोल चुकी, मेरे को थोड़ा वक्त मिला, मुझे भी बोलने दीजिए। सिटीजन चार्टर बिल आपका अटका हुआ है, वो पास कराने में आपको जल्दबाजी नहीं है। इसके अलावा जो सरकारी खरीद वाला बिल है वो अटका हुआ है, विजल ब्लोअर एक्ट अटका हुआ है, ये सारे बिल ऐसे हैं, ये सारे बिल ऐसे हैं जिसके बिना ये वाला लोकपाल अधूरा है। लेकिन चूंकि आपको लोकप्रियता अर्जित करनी है, चूंकि आपको लंबा स्कोर करना है, इसलिए आप ये करना लोकपाल ने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि एक ढांचा बनाना पड़ेगा। वो इस बात से पूरी तरीके से अवगत है और मुझे लगता है कि बहुत बार कही जा चुकी है बात कि एक ढांचा पूरा बनाना पड़ेगा और हमने सही दिशा में बढ़ता हुआ पहला कदम लिया है। क्या कांग्रेस पार्टी ने ये बिल इंट्रोड्यूस? मुझे बताइए रागिनी जी, एक मिनट मुझे बताइए, कितना अच्छा होता 2011 में जब अन्ना ने अनशन तोड़ा था, उस वक्त राहुल गांधी उनसे मिलते जाके, उन्हें ऑफर करते जूस, उनका तोड़ते अनशन, वो तो आपको क्रेडिट मिल भी जाता, मगर आपने उस वक्त सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हालात होंगे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हठधर्मिता के चलते लेने या क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत जी, तो राजनीति छोड़ देगा सहमति है मुझे जो आप कह रही है कि क्रेडिट लेने की कोई जंग नहीं है, वो तो साफ दिख रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी इस मुद्दे पे सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज वो सदन में बोले, तो क्रेडिट तो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ के दे रही है राहुल गांधी को। लेकिन हमारा यही सवाल है कि ये जो क्रेडिट लेने देने का दौर चल रहा है, ये विधानसभा चुनाव का असर है और आंदोलन से उपजे आपका दबाव है ये सीधे। उसे मान लीजिए मैं सुधांशु जी से इसका जवाब लेना चाहूंगा, फिर रागिनी आपके पास आता हूं। सुधांशु जी बोलिए। ऐसा है, मैंने जो सारा प्रश्न कह रहा हूं, प्रामाणिकता जो है और विश्वसनीयता है,
उस दोनों के अभाव में चाहे कोई भी हम नाटकीय ड्रामा कर लें, वो कभी जनता के मन में नहीं जाएगा। अगर आप लाठियां भांजे उन लोगों पे जो कि आंदोलन करना चाहते हैं, उसके बाद आप कहें कि हमने करवाया, कोई मानने वाला नहीं है ना। सारे भ्रष्टाचार की लड़ाई में आप, आपका हर धर्मी सामने दिखे, हर चीज को आप डिनाई करते रहे, आप एक्नॉलेज ना करें कि गलतियां हो रही हैं, उसके बाद आप सोचे कि हम एंटी करप्शन मूवमेंट के चैंपियन बन जाएंगे। कोई जनता जो है सब जानती है, होशियार है, उसको मूर्ख ना समझा जाए। अभी कभी अभी जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड का लोक आयुक्त एक्ट है, ठीक है, उसको साइन भी कर दिया, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन नहीं करेंगे। फिर सोचेंगे कि यहाँ पे लोकपाल बिल, गुजरात का लोकायुक्त तो सबसे कमजोर है आचरण के अंदर, उत्तराखंड के लोकायुक्त क्या बात करते हैं, गुजरात का जो लोकायुक्त बिल है वो तो सबसे लुंचपुंज है, सालों तक अपॉइंटमेंट नहीं होता है, 12 साल तो हुआ नहीं और जो आया सबसे लुंचपुंज है। हम तो यहाँ पे शेर लेने की होड़ में नहीं है ना, हम यहाँ पे दोहरे मापदंड तो है सुधांशु जी, पहले वो समझ लीजिए सुधांशु जी, दोहरे मापदंड तो है, एक तर्क वितर्क करना है या हमें विषय की बात करनी है, दूरी क्या बात करनी है, थोड़ा तो अपने गिरे पाने पे विचार करने का शुमार करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं श्रेय लेने की होड़ नहीं है, दूसरों पर आक्षेप लगाने की होड़ जरूर है, कौन श्रेय लेना चाहता है आज देश को, मुझे लगता है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, राहुल मेहरा से चर्चा होगी तो हमें हर एक को कानून बन जाएगा जिससे कि भ्रष्टाचार पे बहुत हद तक रोक लगेगी। राहुल जी को सुन लेते हैं, राहुल मेहरा को सुन लेते हैं, सुधांशु जी, राहुल मेहरा कुछ बोल रहे हैं इस पे, बोलिए राहुल। देखिए दोनों की कथनी और करनी में कितना फर्क है, एक तरफ से भाजपा ज्ञान दे रही है कि आप पीछे देखिए आप लोगों ने क्या किया 2011 में कांग्रेस को, और जब इनका इतिहास इनको दिखाया जाए कि इन्होंने कैसे तोड़ मरोड़ के अपनी सरकारें बनाई हैं तो इतिहास इनको अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ कांग्रेस है मरती क्या ना करती वाली हालत है कि अब जब इतना हाल यहाँ तक आ चुका है तो कोई ना कोई किसी ना किसी वो डूबते को तिनके का सहारा वाली कहानी है और वो कर रहे हैं। मैं आपको 3 या 4 चीजें आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, 2011 में यही कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने अन्ना हजारे को जेल में भेजा और हमने देखा आंदोलन ने कितना तूल पकड़ा उसके बाद, यही सरकार है और यही बीजेपी और कांग्रेस है, अगर ये मिल जाएं तो कोई हिंदुस्तान में ऐसा बिल नहीं है जो ये 3/4 से पास नहीं कर सकते, लेकिन ये रोकते ज्यादा हैं और पास कम करते हैं, चाहे वो वुमेन रिजर्वेशन हो चाहे वो लोकपाल हो। उसके बाद आप आ जाइए आज की दिशा में, जब विधानसभा में जो भी नतीजे आए और अन्ना हजारे दोबारा बैठे, किस हालात में बैठे उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, और उसके अगर आप देखें तो एकदम इनको होड़ लग गई। इन्होंने 2 साल पहले जो है एक स्पेशल सेशन बुलाया, उसमें कैसे राज्यसभा में इन्होंने बिल पास नहीं होने दिया, रात को 12 बजे कैसे एकदम छुट्टी हो गई। मैं समझ गया आपकी बात, सुधांशु जी तो कहते कुछ है करते कुछ और है। मैं समझ गया राहुल आपकी बात समझ गया। सुधांशु जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आज सुषमा जी आई, उन्होंने कहा कि साहब वो संत जो है पूरा आंदोलन कर रहा है, वो बुजुर्ग आंदोलन कर रहा है, हमारा उसे सलाम, अन्ना हजारे का जिक्र कर रहे थे, मगर इस पूरे आंदोलन की जमीन तो अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत ने तैयार की थी। वो आंदोलन सफल इसलिए था क्योंकि इन तीनों की सोच उसके पीछे थी। सुधांशु जी तो क्यों नहीं आप केजरीवाल को भी क्रेडिट देते हैं इस बात का? ऐसा है, अपनी जान खतरे में किसने डाली? अन्ना ने डाली। किसके प्रति लोगों में आस्था थी? अन्ना के प्रति में आस्था थी। बिहाइंड द सीन ऑपरेटर होंगे, प्रश्न ये है इस लड़ाई का प्रतिबिंब कौन बना था जनता के बीच, वो अन्ना थे। और दूसरी बात, मैं भी राहुल जी की सुन रहा था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे। इन्होंने अपने आज इनके हाथ से लगा, रहे लोकपाल बिल पास हो गया तो हमारा तो मुद्दा ही खत्म हो गया, तो अब ये कह रही है लोकपाल ही जोगपाल बिल है। और सुनिए इनका, इनके मैनिफेस्टो को आज भी मैं पढ़ रहा था, हम जो है एक सशक्त अन्ना का लोकपाल बिल लेके आएंगे। अरे क्या है, आज यहाँ पे लोक आयुक्त एक्ट ऑलरेडी है 1955 का, आप लिखते हैं कि दिल्ली के अंदर ये 1955 का एक्ट जो है हम इसको, मेरा सवाल आपसे था ही नहीं, दूसरा लोक आयुक्त सुधांशु जी वो भी नहीं कह रहे, हम लोग क्या क्या कह रहे हैं, आपके ग्रैंड स्टैंडिंग को और आपके जो दोहरे मापदंड है उस पर आपका ध्यान खींच रहा हूँ। नहीं, मेरा आपसे सवाल ये था कि आप अन्ना को आज श्रेय दे रहे हैं, बताइए ना मापदंड क्या है। नहीं, अन्ना को आज आप श्रेय दे रहे हैं, उनका उसी अन्ना के आंदोलन की जमीन तो केजरीवाल जी तो मना कर रहे हैं ना, केजरीवाल जी तो मना कर रहे हैं कि ये बिल ही खराब है। आप कह रहे जिस बिल को वो कह रहे हैं बिल ही खराब है, ये होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए उनको श्रेय दे दूं मैं? राहुल बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब, मेरे पास वक्त कम है राहुल, इसका जवाब बहुत संक्षिप्त में दीजिएगा, उस बिल का उनको शो कर दूं मैं?
देखिए ये अन्ना हजारे का लोकपाल नहीं है, ये जोगपाल ही है। मैं आपको याद दिला दूं, बीजेपी और कांग्रेस के सांसद और पूरे जो सांसद का जो पार्लियामेंट का शब्द हाउस दिया था, जिसमें उन्होंने तीन जिसमें उन्होंने तीन मुद्दे, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, अब आपको जवाब, एक सेकंड मुझे, अगर किसी के हाथ से कुछ निकला, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पूरा करने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पूरा बोलने दीजिए। रागिनी, राहुल को पूरा एक बार, राहुल आपके पास 15 सेकंड है, मुझे ब्रेक पे जाना है। आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पूरा, नहीं नहीं प्लीज, मेरे को 10 सेकंड का समय दीजिए, 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड है आपके पास, बोलिए। देखिए तीन मुद्दे थे, तीनों के तीनों में ना इन लोगों ने मिसलीड करा है अन्ना हजारे जी को, और उसके पीछे बहुत ताकतें हैं, तीनों के तीनों जो सेंट्रल हाउस के थे, लोकायुक्त बनेगा हर स्टेट के, लोकपाल के वो नहीं है, सिटीजन चार्टर बनेगा वो नहीं है, और सारे पब्लिक सर्वेंट होंगे वो नहीं है, पैरेंट उसको आजादी दी जाएगी वो नहीं है। ये बहस है कि किस तरह की पॉलिटिकल ग्रैंडस्टैंडिंग या किस तरह के तेवर तमाम राजनीतिक दल, किस तरह की होड़ चल रही थी लोकपाल को लेकर, क्रेडिट लेने को ले, इसको लेकर थी। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री में शरीक होने के लिए। हम फिर मुलाकात करेंगे कल 8 बजे, मगर ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता दें कि थोड़े से इंतजार के बाद हम आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे उन क्षेत्रीय मुद्दों की, राज्य स्तरीय मुद्दों की, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर भी धमक होगी। लौटते हैं थोड़े से इंतजार के बाद।